There is a pack of 52 cards and Rehan draws two cards together. What is the probability that one is paired and one is heart? ताश के पत्ते हैं 52, जिसमें स्पेड की तादाद होगी 13। इसी तरीके से हार्ट जो है वो भी 13, और उसमें से टोटल जो तादाद है 52 है, और उनमें से दो कार्ड चूज़ करने हैं रैंडमली, आपने ड्रॉ करने हैं, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि उनमें से एक स्पेड आए और एक हार्ट का पेज। सैम्पल स्पेस हम कहते हैं कि एस है। अब इसमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस तादाद कितनी होगी टोटल? अब दो कार्ड्स हमने लेने हैं 52 में से, तो 52 C2 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि NCR अगर हो तो हम कहते हैं कि ये इक्वल है N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इनटू N माइनस R फैक्टोरियल। इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है 52C2, क्योंकि हमने दो कार्ड्स लेने हैं इसलिए हमने R की जगह पे 2 रखा है और N की जगह पे 52 टोटल कार्ड्स। तो ये हो गए 52 का फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू 52 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब जब हम 52 का फैक्टोरियल लेंगे तो वो होगा 52 इनटू 51 इनटू 50 फैक्टोरियल, क्योंकि आगे 51, फिर उसके बाद 49, फिर उसके बाद 48 एंड सो ऑन। तो ये 50 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू 50 फैक्टोरियल। अब ये 50 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचता है 52 इंटू 51 ओवर 2 इंटू 1, और ये इक्वल होता है 1326 के। लेट ई बी इवेंट ऑफ गेटिंग वन स्पेड एंड वन हार्ट। हम कहते हैं कि ई जो है वो है कि एक स्पेड और एक हार्ट। सो नंबर कितने होंगे? वेथ ऑफ गेटिंग वन स्पेड और वन हार्ट आउट ऑफ 13। तो क्योंकि जैसे आप जानते भी होंगे कि स्पेड के भी 13 कार्ड हैं और हार्ट के भी 13 कार्ड हैं, तो जब हम इसमें से एक कार्ड ड्रॉ करें तो उसका कम्बिनेशन बनेगा 13C1, दूसरे में से भी 13C1, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 169 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आती हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास होगी नंबर ऑफ इवेंट्स इन ई और नंबर ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस एलिमेंट्स। ये हो गया 169 ओवर 1326, जो कि इक्वल है 13 ओवर 102 के, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी।